का डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई पर प्रदर्शन। बहुखंडी आवास पर हाउस अरेस्ट है अजय कुमार लल्लू। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लल्लू की रिहाई की मांग। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। जिस तरह से आज बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से निरंतर बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आज कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की गलत नीतियों को सरकार के माफ कीजिएगा जनता के बीच पहुंचाने की जद्दोजहद जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जिस तरह से आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन होना था, उससे पहले ही कड़ी पुलिसिंग लगाई गई, उसके बाद अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शमशाद जुड़ चुके हैं। शमशाद, आज बड़ा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में होना था, लेकिन अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, इसके विपरीत क्या कुछ परिस्थितियां देख रहे हैं आज? किस तरह से प्रदर्शन अजय कुमार लल्लू के बिना क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी आज विधानसभा पर जाकर प्रदर्शन करने वाली थी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर। कल ही अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में बताया गया था कि आज प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अजय कुमार लल्लू को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया था। लेकिन कुछ देर के बाद जब वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचते हैं भारी तादाद में और भूखंडी आवासीय उनके बाहर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, उसके बाद भारी पुलिस बल भी वहां पहुंच जाता है। उसके बाद अजय कुमार लल्लू को भी रिहा कराकर बाहर लाया जाता है भूखंडी आवास के बाहर, और वो लोग प्रदर्शन शुरू कर देते हैं, फिर विधानसभा जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी पुलिस बल ने सभी को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस लाइन भेज दिया है। जी शुक्रिया शमशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बहुखंडी आवास पहुंचे थे तमाम कार्यकर्ता जब अजय कुमार लल्लू को हाउस अरेस्ट कर लिया था, तो उसके बाद अजय कुमार लल्लू की रिहाई करवाई गई, लेकिन भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचते हुए तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की।